नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं चमोली में। भारी बारिश लगी हुई है और गांव जाना है, पैदल का भी रास्ता है। आज 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमें ईरानी। तो हमारी जर्नी होती है चमोली से शुरू। मेरे साथ में है चंदू। चंदू, कितने किलोमीटर होने वाला आज का सफ़र? आज का सफ़र है गाड़ी का है 35 किलोमीटर, उसके बाद 7 किलोमीटर पैदल। और ये चंदू लेके गए थे दौड़ागिरी ट्रैक पर, तो वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं। ये बहुत प्यारी फोटो और आज बहुत भयंकर बारिश हो रही है। अगर मौसम ने साथ दिया तो और गाड़ी चलने को तैयार, हम भी तैयार। चलें ड्राइवर साहब? जी भाई। ओके चलो। छिनका में और चमोली से लगभग 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं है। और चमोली में आपने देखा होगा बहुत भारी बारिश लगी थी। तो पहाड़ों में किस वक्त कब कहाँ कैसी स्थिति बन जाए कोई पता नहीं, इसलिए सामान खरीद रहे हैं घोड़े का, क्योंकि घोड़े खच्चरों के लिए हमारे यहाँ का व्यवसाय घोड़े खच्चरों पर। तो ये सामान ले जा रहे हैं घोड़े खच्चर का, पूरा सामान मिलेगा आपको यहाँ पर जो भी आपको चाहिए। दोस्तों, ये भाई यहाँ पर जो घोड़े खच्चर से संबंधित जो भी सामान होता है ये बिकाते हैं। अगर आपको भी जो भी ये जोशी मठ चमोली के आसपास के जो भी लोग हैं, ये छिनका पर ही भाई साहब होलसेल का इनका सामान है, और जो भी खरीदना चाहते हैं यहाँ से ज़रूर ले जाएं। हमारे पास घोड़े खच्चर का कुट्टा चारा सभी कुछ है, चना गुड़ घोड़े खच्चर भी मिलता है, पूरा सामान है। अच्छा, घोड़े खच्चरों की भी बिक्री है? जी जी जी। अच्छा, ये कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है जहाँ पर आपकी दुकान है? ये छिनका जिला, छिनका में है ना? ठीक। और ये है छिनका गांव, देख सकते हैं आप। दोस्तों, अब देखो आधे रास्ते में उतर गए हैं, और ये रास्ता यहाँ पर, यहाँ से आगे रास्ता देखो पूरा टूटा हुआ है रास्ता, सड़क इस आगे सड़क है लेकिन लापता है, क्योंकि बीच से पूरी ये पहाड़ी टूटी हुई है और पूरा सामान ही उतार रहे हैं। और इस आगे सड़क है लेकिन टूटी हुई है पूरी, ये देखिए। और ये इन्होंने हमारा किराया वापस कर दिया है।
भाई जी आगे सामने रोड बन है। अच्छा तो क्या खुली नहीं है रोड? अभी तक 1.5-2 महीने हो गए अभी तक खुली नहीं। अच्छा कितने किलोमीटर और है आगे? यहाँ से भाई रोड वहाँ जहाँ तक मतलब स्टेशन है यहाँ से भाई आधा किलोमीटर, आधे किलोमीटर और है यहाँ से। तो ये सामान एडजस्ट कर रहे हैं चंदू नेगी और ये पहाड़ी ककड़ी के साथ, ये जो गांव की ककड़ी है इसके साथ, और ये भिंदू लगा रहे हैं ये चोर। ये देखो ये चोर है कि नहीं है, ये भी नहीं है चोर। पुरानी एक कहावत थी गांव में कि अगर ककड़ी का वो भिंदू लग गया, अगर ये यहाँ पर कपाल पर छिपा गया तो चोर चोर बोलते हैं। और इसके बाद थोड़ा देवताओं के लिए रखेंगे, पितृ देवताओं के लिए। और हम गाड़ी में बैक हो रही है ककड़ी, ये जोशीमठ वैली की। अच्छा जोशीमठ क्षेत्र के कौन से गांव के? ये ढाक से लाए हैं ककड़ी, ढाक तपोवन की ये ककड़ी है। और इसके साथ नमक भी लाए चंदू भाई, बहुत ककड़े हैं और स्वादिष्ट भी है, मिठास बहुत मिठास। ये हम बुआ लोगों के वहाँ गए थे, बुआ लोगों ने हमें रास्ते के लिए ककड़ियाँ दी थी और घर का पिसावा लूण भी, जिसको हमारे लोकल भाषा में लूमच कहते हैं, लूण और मिर्च मिक्स, लेकिन नमक जो ये है अला बना। माँ दोस्तों कितना कठिन है जीवन ये देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल। और माँ भी ये देखो सारा टूटा हुआ है रास्ता, इतना भयंकर हो रखा है ये, यहाँ से ये पत्थर का खतरा भी है। ये चंदू भाई हमारे कैमरामैन लगे हैं। यहाँ पर हम खाना तैयार करें क्योंकि रास्ता चढ़ाई का है तो लगनी स्वाभाविक है। हमारे चंदू भाई मैगी बना रहे हैं। दोस्तों अभी मिर्च के लिए जा रहा हूँ, हरी मिर्च है, पहाड़ी शुद्ध हरी मिर्च। और ये अभी मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जो खाने के साथ है ये चाहिए मिर्च। हेलो साहब मैं चले जा रहा था, मैं स्वाति दिन पास खाली लाया था, तो मैं सर यही मिले चौंकाल हुई चौंकाल हाँ भाई बोले चौंकाल हाँ समझे चौंकाल जाट पकड़ा कहावत है। मैं अभी आग फूक रहा था तो आग जली नहीं, तो यहाँ पर डायलॉग मारा मामा जी ने कि आपके सासू वाला आवाज़ नहीं दे रही, लेकिन जैसे मैंने अंतिम फूंक मारी तो सासू जी ने सुन लिया है, तो आवाज़ दे दिया, आवाज़ दे दिया सासू जी ने और आग जलने शुरू हो गई। ये कहावत आपके गांव में भी होगी और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ पर जो हमारा इसके पॉइंट है तो चंदू नेगी ने ये मैगी तैयार कर दी है। यहाँ से आगे सफ़र होगा बहुत मुश्किल क्योंकि बहुत चढ़ाई होगी, कठिनाई होगी, बारिश है और रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है क्योंकि ये सावन भादों का चौमास का मौसम है। और रसोईया आज के सेफ चंदू नेगी, चंदू नेगी कुछ बताएंगे इसके बारे में? कुछ नहीं बताएंगे। पहाड़ों में आकर अगर आपने मैगी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं है, मतलब मैगी का मजा पहाड़ों में मैगी का मजा कुछ और ही है, अलग ही है, वो भी जब कढ़ाई में बनी हो और चूल्हे में बनी हो, जो कि लोहे की कढ़ाई हो चूल्हा हो ये
ये चूल्हा हो और ये आग यहाँ से ऊपर, और उसके बाद ये एक एक चूल्हे में आपका मैगी, दूसरे चूल्हे में चाय, चाय रेडी। पहाड़ों वाली मैगी, और ये मेरे हिस्से का भी मैगी तैयार है, और हम करते हैं शुभारंभ। और अब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक हम शुरू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं अंतिम स्टेशन है भीलताना, यहाँ से शुरू ट्रैक। जड़ी बूटी लेके जा रहे हैं, ये लेमन ग्रास है गांव के लिए। मेरे साथ हैं वीरू नेगी, वीरेंद्र सिंह झिंझ से हैं, और एक जमाने में अपने ज़माने के जाने माने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वीरू नेगी जी हमारे। और आजकल अपना स्वरोजगार अपना रखा है इन्होंने पहाड़ में, और ये लेमन ग्रास लेके जा रहे हैं। तो वीरू भाई, पहले तो आप कैसे हैं? आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। अच्छा, मानंदा पिटोली की झूंझी आ रही है। अच्छा, तो कहाँ लोगों का झूंझी में मानंदा के भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने ज़्यादा लोग आ सके, जितने भक्त लोग आ सके। और मेला कब से है शुरू? मेला 4 तारीख से। झरझर झरने, जो पहाड़ों की सुंदरता और एक अलौकिक जो सुंदरता है, बहुत ही दिव्य। ये देखिए जो झरने हैं, जिनको छोड़ा कहते हैं पहाड़ों में, हर जगह सुंदरता ही सुंदरता। आप भी आइए और आनंद लें इस प्रकृति का, आवाज़ सुनिए। अच्छा, कभी इस लाल गजन ट्रैक पर एक काफ़ी भव्य और शानदार पुल हुआ करता था, और जो आज सड़क के निर्माण के लिए तोड़ दिया गया है कि नया पुल बनेगा, लेकिन विगत 1.5-2 साल से हमारे लोग पैदल ही चल रहे हैं, और काफ़ी जान जोखिम में डालकर, आपने वीडियो भी देखी होंगी, जान जोखिम में डालकर वो लोग कैसे अपना रास्ता तय कर रहे हैं। और यहाँ से 2 रास्ते जाएंगे, एक तो ये झिंझी के लिए जाएगा, और इधर से बाएँ तरफ ईरानी को जाएगा। तो हम अब जा रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, शाम के 6 बज चुके हैं। आजकल बरसात में तो खेती बाड़ी तो आजकल फिलहाल अभी नहीं चलती है, लेकिन आजकल बरसात में छानियों में रहते हैं लोग ज़्यादातर। अच्छा, मंदिर छानियों में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हर किसी के परिवार से कोई ना कोई छानियों में रहते हैं। ठीक है वीर भाई, मिलते हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिल के, फिर मुलाकात होगी।
5 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग तय कर चुके हैं। ये पसीने से तर बर हो गए हैं और लगभग अभी यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर दो ढाई किलोमीटर और है। अभी ढाई क्या 3 किलोमीटर होगा मान के चलो। और जय भोलेनाथ, भोले शंकर की, ये सप्तकुंड दूतकुंड महादेव की पावन धरा पर आज मैं पहुँच गया हूँ अपने गाँव में। और लगभग जो था पैदल का रास्ता, जो अभी 7-8 किलोमीटर का ट्रैक था, वो हमने पास कर लिया है। और गांव लगभग 200 मीटर पर अब बचा हुआ है। मोरे से लेकर गांव तक का सफ़र कैसा रहा, कितने विकट परिस्थितियों में हम यहां पहुंचे हैं, और रास्ता का बड़ा बुरा हाल है और पसीने से हम तर बर हैं। इतना सामान हमारे पास था और बैग भी काफ़ी भारी है, बारिश लगी बीच में, तो हम काफ़ी संघर्षों के बाद अपने गाँव पहुँचे हैं। लेकिन ये जा रहा है दोस्तों हमारा सामान, हम पैदल ही चल रहे हैं। आगे हमारा छोटा भाई चंदू नेगी और मैं। ये जो ऊपर से सहस्त्रधारा बह रही है, इसकी एक कहानी है। ये जो सहस्त्रधारा सप्तधारा आ रही है, 7 धाराएं हैं, तो इसका एक महत्व मैं आपको बता दूं। हमारे जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि तो जो हमसे पहले के वो थे एक जनरेशन पहले, उन्होंने बताया कि यहाँ सामने पर भोले शंकर की वहाँ पूजा हो रही थी, तो एक कौवा एक जो तेल का जो छोटा डब्बा होता है उसको लेके यहाँ पर सुराई के पेड़ में आया, डब्बा छूट गया यहाँ इस जगह पर, तो यहाँ से उस दिन से पानी की जो धारा बहनी शुरू हो गई। तो ये जो कहते हैं कि राजा भगीरथ ने जिस तरीके से गंगा को धरती पर उतारा था, उसी तरीके से भोलेनाथ की जटा से ये पानी यहाँ से नीचे उतरा। तो आप देख सकते हैं जैसे भोले शंकर की जटाओं से पानी गिरता है, उसी तरीके से ये पानी यहाँ पर आ रहा है। यजा मही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकी वंदनम मृत्युर्मोक्ष यमामृत नमामि समीषाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम वजीहम। और ये अब एक आस की किरण के गांव पहुंच गए हैं, और कुछ ही दूरी पर वो सामने लाइट दिखाई दे रही है, बिजली की व्यवस्था पूरी है गाँव में। लगभग कुछ ही वर्षों पहले बिजली आ गई है। बहुत ही सुंदर रमणीक प्यारा गांव, ग्राम सभा ईरानी, और जो हमारे गांव के बगल में झिंझी गांव भी है, बहुत ही प्यारा गांव है। तो आप भी आइए, और यहां थोड़ा कठिनाई लेकिन ज़रूर है, संघर्षों का जीवन है, लेकिन उतना ही आनंदित है। अगर यहां का खान पान देखें तो शुद्ध जैविक है यहां, और भोले शंकर की ये नगरी माँ गौरा का ये मायका इष्ट देवी नंदा, और जो सर्व विद्यमान है हमारे भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर, इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे लोग स्वस्थ और मस्त हैं। और सभी जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हैं, आप भी उत्तराखंड जरूर आए और अपना गांव न छोड़े, पलायन न करें, यही हमारी विनती है। हे नंदा हे गौरा कैलासों की यात्रा, हे नंद सुनंदा हे माता भवानी, सुन माधव को मैं नाम बल जात की तैयारी, देवी भगतों की देवी रखी छाया माया, हे नंदा भवानी हे नंदा। और अब पहुंचे हैं हम गांव में, चंदू नेगी के घर में। ये छोटा भाई है और इनके घर में हम पहुंच गए हैं, तो सकुशल पहुंच गए हैं। बहुत डर तो काफ़ी लग रहा था रास्ते में कि पता नहीं कहाँ कैसी स्थिति में हम पहुँचे हैं। और जो हमारे साथी थे रास्ते में, जोंक हुआ, मेंढके हुए, और जो भी सांप सूंप जो भी दिखते हैं आजकल, सब हमें रास्ते में दिखे। सबसे भेंट वार्ता हुई हमारी, और अगर वो न दिखें तो पहाड़ की यात्रा, पहाड़ का सफ़र अधूरा माना जाता है। और अब पहुँच गए हम अपने घर में, और बुआ जी खाना पका रही है। ये देखो मौसम तो यहाँ ठीक ठाक है, बारिश लगी थी रास्ते में, और थोड़ा अभी गैस में बना रहे खाना, क्योंकि चूल्हे में ये थोड़ा पानी आया हुआ है, नीचे से जो भूमिगत जल होता है वो ऊपर आ गया है काफ़ी बढ़ के। तो अभी मैं हूँ अपने जो पैतृक घर है वहाँ हूँ, और अभी टाइम हो रहा है लगभग, मुझे लग रहा है 10 बज गया है, और अभी मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत जो 8 किलोमीटर का ट्रैक था बहुत ही खतरनाक था। तो दोस्तों ये देखिए इधर है, ये बुआ जी खाना पका रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा और हमारी पीड़ा को समझा।